मुक्ति प्रवेश का भी चाहते एक देवदत्त और मुफत्सल तकरीर के लिए तैयार हो जाइए। उनका वेलकम स्वागत नारे तक भी और नारे स्वागत के मदकुदी तारों की कोई भी भले सबके मिलकर नारे का जवाब दीजिए नारे तकबीर और आवाज की जरूर भेज दीजिए क्योंकि तुझको एक काम बहर हाल संभालना होगा, तुझको एक काम बहर हाल संभालना होगा। अरे वक्त बदला है तुझे खुद को बदलना होगा, तुझको एक काम बहर हाल संभालना होगा। अरे वक्त बदला है तुझे खुद को बदलना होगा। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो नारे का जवाब दीजिए नारे तकबीर, नारे आजा का हिंदुस्तान, भैजाने बारगाह है इश्क पास, भैजाने बारगाह है इश्क पास, भैजाने मक्तों में सिमना, अस लगे आला हजरत, हजरत मुफ्ती परवेज अली ने कहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ الحمد لله الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزجر في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياءه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين आइए एक मरतबा अकीदत और मोहब्बत के साथ जाने इमाम रूहे इमाम मुस्तफा जाने अहमद शबे बसर हिदायत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबी अमीर और अली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाम व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बावकार काबिल सब हाजिर और तकदीर और रवायत हजरत इत्तेहाम व हाजिरीन जज्बे मोहब्बत व आशिकान गौसे आजम व तलबाए अजीज इदारा हाजा आप सब की बारगाह में मेरा सलाम मोहब्बत पेश है। कबूल कीजिए जवाब कीजिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे आका के प्यारे दीवानों गौसे आजम के चाहने वालों अभी आपने बादे मगरिब से लेकर के अब तक बहुत ही नायाब और उम्दा काबिले तकसीम कलाम मंजूर कलाम और काबिले सताइश तकरीर आपने समाप्त की। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हाजिर आया चंद कलिमात बोल करके मैं भी रुखसत हो जाऊंगा फिर भी प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। अभी जहां जितने लोग यहां हकीकत और मोहब्बत के साथ हुजूर सर्वे से आए हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महबूब सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से सजी इस महफिल में आप लोग हकीकत और मोहब्बत के साथ हाजिर हुए। मैं अपने तकरीर का आगाज करने से पहले गौसे आजम जी का एक वाकया अर्ज करता हूँ और आपको होश नजार करता हूँ कि जो लोग सच्चे दिल से महफिल पाक में आते हैं तो उनका आलम क्या होता है, उनकी जिंदगी क्या होता है। और जो लोग अपनी बर्बादी के सबब या आजमाइश के लिए या खराबी के लिए या बदमाशी करने के लिए आते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। अभी आप यहाँ तकरीर हो रही थी पीछे बहुत सारे लोग न जाने किस तरह के मुकद्दसात पक रहे थे न जाने को क्या से क्या बक रहा था।
अगर सही मानों में गौसे आजम से मुसब्बत है तो ये वाकया दिल लगा के सुनिए और जरा तवज्जो से सुनिए। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का बचपने का आलम है, गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का बचपने का आलम है और तलब इल्म का शौक इस तरह उनके दिल में मौजूदन था कि एक मर्तबा अपने मदरसे के दो साथियों के साथ ये इरादा बनाया कि एक बगदाद शहर में एक बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग रहते हैं और जो उस बुजुर्ग की बारगाह में जाकर के बैत हासिल करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बहुत इनाम मिलता है। ये सबको मालूम था लेकिन गौसे आजम का तालिब इल्मी का जमाना है, गौसे आजम का तालिब इल्मी का जमाना है और दो साथियों को अपने साथ लिया और चल दिया और हर एक ने अपने मन में ये सवाल बना लिया कि मैं जाऊंगा उस बुजुर्ग की बारगाह में, मैं ये सवाल करूंगा। बहुत इनकी करामत मैंने सुनी है, बहुत इनके फजल व कमाल का चर्चा सुना है, मैं देखता हूँ, मैं पूछूंगा, मैं जाऊंगा उस पीर से, उस बुजुर्ग से पूछूंगा, मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि मेरे दिल में कौन सा सवाल है और मेरा नाम क्या है। दूसरे ने ये मन में ठान लिया, मैं पूछूंगा अभी दुनिया के किस हिस्से में क्या हो रहा है, आपका चर्चा तो बहुत है, आप तो करामत दिखाते हैं, दुनिया के हर गोशे के का पता बताते हैं, मैं ये सवाल करूंगा, जाऊंगा उस बुजुर्ग की बारगाह में कि दुनिया के खुला गोशे में क्या हो रहा है, इस सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन गौसे आजम के दिल में ये सवाल था, ये मन में ये मोहब्बत थी कि मैं जाऊंगा उस बुजुर्ग की बारगाह में ताकि मैं उनके फैज पा करके अपने इल्म में इजाफा करूं, अपने फजल में इजाफा करूं, अपने तकवा तहारत में मजीद उनकी दुआओं को लेकर के मैं आपको आला पहुंचूं। ये सवाल सारे लोगों के ज़हनों में अपने अपने एतबार से मुंतखब कर लिए कि मैं जाऊंगा। जब वो तालिब इल्म तीनों गौसे आजम के साथ, वो तीनों जब गौसे आजम और दोनों साथी उस बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर होते सबसे पहले वो बुजुर्ग पूछता है ये सवाल करने के लिए आया और वो बुजुर्ग कहता है ये वहीं जाकर के वो बुजुर्ग कहते हैं है फला शख्स तेरा नाम ये है और तेरे दिल में सवाल ये है और फला लड़का कहता है सुनो तेरा नाम ये है जो तेरे दिल में सवाल ये था कि दुनिया के किस गोशे में क्या हो रहा है तूने मुझे आजमाने के लिए मुझसे ये पूछा है। लेकिन गौसे आजम की तरफ इशारा करते हुए पूछा ये वो वाहिद फर्द है, ये वाहिद तालिबे इल्म है, ये वाहिद वो मुस्तकबिल का वली है कि ये इसके दिल में सच्ची मोहब्बत है, ये सीधा इरादे से आया है कि बुजुर्ग की बारगाह में रख करके एक किताब फैज करेगा, इल्म के हुसूल का जरिया बनाएगा। सुनो ये वो बंदा है, ये गौसे आजम वो अजीम जात है कि जिसने अपने दिल में अपने कल्ब में ऐसा इरादा बना लिया कि गौसे आजम जब बुजुर्ग की बारगाह में जाएगा तो अपने दिल में अकीदत तो मोहब्बत का चिराग रोशन करेगा। तो इशारा करते हुए वो बुजुर्ग फरमाते हैं सुनो है दोनों तालिब इल्मों ये वाहिद बच्चा है जो मुस्तकबिल में ऐलान करेगा, ये वाहिद बच्चा है जो मुस्तकबिल में ऐलान करेगा कदम हाजी रहमत कुल्ले वलीदा के आने वाला जमाना एक ऐसा आएगा कि वाहिद बच्चा ये ऐलान करेगा और वक्त के सारे औलिया इकराम इनका इस तरह अदब करेंगे अपनी गर्दनों को झुका लेंगे। लेकिन सुनो तेरा अंजाम यह होगा तू बद अकीदा होकर के मरेगा, तेरा अंजाम यह होगा तू कुफ्र की हालत में मरेगा। लेकिन तारीख के औरा को पढ़ने के बाद ये मालूम होता है कि वो बुजुर्ग ने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मोहब्बत की खातिर उस बुजुर्ग की बारगाह में गया तो वो वक्त का बादशाह बन गया, वली बन गया। लेकिन वो तालिब इल्म इस एतबार से बारगाह में गया कि मैं इस बुजुर्ग की का इम्तिहान लूंगा, इसका मैं टेस्ट लूंगा, बड़ी करामत का शौहरत है, इनका चर्चा है। लेकिन इस वाक्य से ये पता चल गया जो अल्लाह के परपुजीदा बंदे की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ हाजिरी देता है तो कभी गौसे आजम बनता है, कभी आला हजरत बनता है, तो कभी ख्वाजा हफीजुद्दीन बनता है। और जब गौसे अल्लाह के बुजुर्ग की बारगाह में बदअकीदगी के एतबार से, दुश्मनी के एतबार से, इम्तिहान के एतबार से जाता है तो उसकी मौत हालत कुफ्र में होती है। लिहाजा गौसे आजम की इस महफिल में आने वालों आशिकाने गौसे आजम सुनो इस वाक्य को रखो अपने कान में और दस रहे तब से इबरत हासिल करो कि
गौसे आदम ने वली की बारगाह में, गौसे आदम वली की बारगाह में मर गए, तूने मुस्तकबिल का वली और बादशाह बना दिया गया। और जो वली की बारगाह में बेअदबी की नियत से गया तो उसे निस्त नाबूद कर दिया गया। अब तुम क्या चाहते हो कि इस महल पाक की बरकत से तुम्हारी जिंदगी आबाद हो या बर्बाद हो, ये तुम्हें सोचना है कि हमें अपनी जिंदगी आबाद करना है कि बर्बाद करना है। आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बचपने का आलम मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उससे पहले आपने दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि व नबी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में इरशाद फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकुन। इसका मतलब यह हुआ कि बेशक अल्लाह के औली अल्लाह के बुजुर्ग बंदे वही मुत्तकी वही परहेज़गार। द सन्स ऑफ अल्लाह आर ड्यूर कि अल्लाह के बरगुजिदा बंदे ही अल्लाह के मकबूल और मुत्तकी परहेज़गार बंदे हैं। अब चूंकि इस आयत में लफ्ज औलिया ये लफ्ज औलिया ये जमा है इसका वाहिद वली। अब चूंकि वली आजम का हम तस्करा कर रहे हैं तो सबसे पहले वली का माना परिभाषा समझना चाहिए कि वली किसको कहा जाता है। वली का मतलब, वली का मकाम, वली की तारीफ और उसका परिभाषा क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, उसकी तारीफ क्या है। तो अल्लामा ऐनी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान अपनी शरह उम्दतुल क़ारी शरहुल बुखारी तहरीर फरमाते हैं कि वली वो शख्स होता है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का भी इल्म हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफात का भी इल्म हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इबादात में इस तरह मुस्तसर हो जाए कि हर आन हर लम्हा उनका हर जाहिर उनका हर बातिन अल्लाह की रिजा के लिए, उसे वली कहा जाता है। अब दुनिया का जायजा लीजिए, दुनिया की हकीकत का जायजा लीजिए, दुनिया के ढोंगी पीरों का जायजा लीजिए, हर कोई अपने वली होने का अपनी करामत का शोहरा बजाने की कोशिश करते हैं। अल्लामा ऐनी की इस तारीफ को देखें कि अल वली उस शख्स को कहा जाता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का भी आलिम हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफात का भी आलिम हो और जब इबादत करे तो उनका जाहिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए हो और उनका बातिन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए हो, उसे वली कहा। ये तो वली की तारीफ और आयत में उसकी फजीलत हो। अब हदीस शरीफ से भी इसका चर्चा हो जाए, आखिर वली का मकाम क्या, वली की अजमत क्या, और फिर आप गौसे आजम की अजमत को समझ। हदीस कुदसी मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं मन आदा ली वली जन फकत आज़न्तुहु बिल हर्ब। सुनो, जो बंदा इस तारीफ के मुताबिक हो जाए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का भी आलिम हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात का भी आलिम हो, उनका हर अमल जाहिर और बातिन के एतबार से रिजाए इलाही के खातिर हो, तो मैं इस बंदे के लिए यह ऐलान करता हूँ मन आदा ली वली जन, जो शख्स ऐसे बंदे से दुश्मनी रखेगा फकत आज़न्तुहु, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अब बताओ तुम कैसे बंदे हो, कैसे आशिकाने दोस्त का दावा करते हो और आते हो इस महफिल में और शोर हंगामा करते हो। बताओ अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल पाक ने क्या इरशाद फरमाया, जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा फकत आज़न्तुहु, तो मेरा ऐलान सुन लो मैं उससे जंग का ऐलान कर दूं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से जंग का ऐलान कर दे तो बताओ उससे बचने वाला कौन है। इन्ना बशर रब्बिका लशदीद, जब रब्बुल आलमीन जब किसी को पकड़ता है तो उसका छुड़ाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। लिहाजा ऐ हकीकतमंद गौसे आजम के चाहने वालों, जब आप यहाँ आए हैं तो अपने दिल को साफ और सुथरा करके रखें और अपने दिल की दीनों दुनिया की आकिबत और हर तरह के फेद और अमल को आबाद रखें ताकि आप दुनिया भी आबाद रहें और आपकी आखिरत भी आबाद रहे। नमाज करके उसे आला और अरफा बना देता।
हौसे आजम की आजमत, उनकी रिफत, खुद मुस्तफा जारे रहमत के एक आशिक, जिसे हम आयतुन मिन आयतिल्लाह, मुजज़ातुन मिन मुजज़ात रसूलिल्लाह, यानी इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान, जब हौसे आजम की फजीलत को, उनके मर्तबे को बयान करने की बारी आई, तो उस वक्त के सारे शोरा, सारे उलमा एक तरफ, जब हौसे आजम की तारीफ और सताइश करने की बारी आई इमाम अहमद रजा की, तो इमाम अहमद रजा ने हौसे आजम की यूं शान बयान की, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। मतलब क्या हुआ? गौस का माना होता है फरियाद सुनने वाला, फरियाद रसी करने वाला। जब कोई अपनी फरियाद करता है, जब कोई कोर्ट में अपना मुकदमा दर्ज करता है, तो कोर्ट उसके मुकदमे को सुनता है, फिर उसके मुकदमात को तरतीब देकर उसके बारे में नफा नुकसान का फायदा बताती है। लेकिन गौसे आजम वो फरियाद रस है, वो इंतजार सुनने वाले हैं कि ये वो और लोगों से नहीं, बल्कि गौसे आजम सिर्फ बंदों के फरियाद को नहीं सुनते, बल्कि बंदे बंदे के अलावा जो औलिया होते हैं, जो कुतबा होते हैं, जो औताद होते हैं, जब उन्हें कोई मजबूरी आती है, तो गौसे आजम की बारगाह में लौ लगाते हैं और अर्ज करते हैं या गौस इमदाद कुन। तब आला हजरत ने इस नक्शे को खींचा, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। यानी गौसों के गौस है, फरियादों के फरियाद सुनने वाले ख्वाजा हफीजुद्दीन भी है, लेकिन ख्वाजा हफीजुद्दीन की फरियाद सुनने वाली साथ सिर्फ गौसे आजम की साथ है। अल्लाह रसूल के बाद, अंबिया के बाद गौसे आजम की साथ है। जो ख्वाजा हफीजुद्दीन की फरियाद को भी अगर सुनेगा तो गौसे आजम की साथ सुनेगी। ऐसे गौस का तस्करा हम करने के लिए यहाँ हाजिर हुए। जिंदगी को देखें, हौसे आजम के तरीके हालात को देखें, उनके इल्म का चर्चा देखें। हौसे आजम सिर्फ साहिबे करामत नहीं थे, हौसे आजम सिर्फ एक करामत दिखाने वाले बुजुर्ग का नाम नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी का मुताला करें तो आपको उनकी सीरत से आपको पता चलेगा कि इमाम अहले सुन्नत के, जो इमाम अहले सुन्नत जिस जात से मोहब्बत करके इतने मकबूल अशआर कहे, वो जात कोई आम जात नहीं थी, वो जात कोई आम फहम ऐरु खैरु नतु नहीं थी, बल्कि गौसे आजम की बारगाह में ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीर के हुक्म से बगदाद शरीफ पहुंचे और अर्ज किया, हुजूर मुझे विदाई दे इराक चाहिए, मुझे इराक की विलादत चाहिए, विलायत चाहिए, वहां की बादशाहत, वहां की सल्तनत मुझे चाहिए। तो गौसे आजम ने फरमाया, सुनो यहाँ की विलायत तो मैंने शहाबुद्दीन सहरावर्दी को दे दी, लेकिन तेरे लिए एक जगह खाली है, वो है मुल्के हिंदुस्तान, जा मिलके हिंदुस्तान और तुम्हारा अपनी विलायत का डंका बजा ला। हौसे आजम बारगाह में जब ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीर के हुक्म पर गए, जब विलायत तलब की तो विलायत तक, विलायत से भी हौसे आजम ने ख्वाजा गरीब नवाज को नवाज दिया। उस जात का नाम है हौसे आजम, विलायत को नवाजने वाली जात का नाम है हौसे आजम। तो हम अगर दिल से हौसे आजम की बारगाह में या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहीदुल्लाह की आवाज बुलंद करें, तो यकीनन गौसे आजम हमारी मदद कर पाए। बेशक बेशक, गौसे आजम के वाकयात आपने बहुत सुने, मेरे जहन में भी ऐसे बहुत सारे वाकयात है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को शांति रखें तो मैं गौसे आजम के इल्मी वकार को बताऊं, गौसे आजम के तफक्कुह फिद्दीन के बारे में बताऊं, गौसे आजम के आलमी शान बताऊं, गौसे आजम के फजीलत इल्म के बारे में बताऊं, गौसे आजम के तक़वा तहारत के बारे में बताऊं। अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा करीब लाइए और दिमाग को फ्रेश रखिए, क्योंकि जो मैं वाकिया और जो इनमी गुफ्तगु आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बड़ा गंजलक है, बड़ा खंजलक है, ये इतना बारीकी मसला है, इतना अहम नुक्ता है कि वक्त के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उलमा
उस मसले के हल करने से आजिज रह गए। इतने खतरनाक मसला हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आया। अब सोचे जो सैयदुल अगवास हो, जो गौसुल अगवास हो, फरियादों के फरियाद को सुनने वाले हो, कोई ऐसा भी बुजुर्ग है कि दूसरे की फरियाद सुनता हो, लेकिन उस बुजुर्ग की फरियाद सुनने वाली जात गौसे आजम की जात है। एक सवाल गौसे आजम की बारगाह में आया और ये सवाल तकरीबन इराक के तमाम उलमाए किराम की बारगाह में पहुंचा, अरब के तमाम उलमाए किराम की बारगाह में पहुंचा। हर शख्स ने लाला का जवाब दिया, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। कोई बंदा आएगा इसका सही जवाब देगा। जब पता चला गौसे आजम के इल्म का, पता चला उनकी तफक्कुह फिर दीन का, पता चला उनकी फकीहाना जिंदगी का, पता चला कि गौसे आजम फिक्र का माहिर दस बरस और गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इल्म फिक्र के मुफक्किर और उनके माहिर का नाम गौसे आजम है। चलो गौसे आजम की बारगाह में भी ये सवाल पेश कर दिया जाए। मुमकिन है कि गौसे आजम की बारगाह से इस सवाल का जवाब आ जाए, क्योंकि मैंने बारहा सुना है कितना दकीक से दकीक, बारीक से बारीक, पेचीदा से पेचीदा मसला हो या किसी सखावत का मामला हो, कभी भी गौसे आजम की बारगाह से कोई मायूस नहीं जाता है। लिहाजा उलमाए किराम की एक टीम वो मसला लेकर के गौसे आजम की बारगाह में पहुंची और अर्ज किया, हुजूर ये मसला है। वो मसला ये था कि एक बंदे ने ये कसम खा रखी थी कि मैं पूरी दुनिया में मैं एक ऐसी इबादत करूंगा, जिस वक्त मैं इबादत करूं उस वक्त पूरी दुनिया में कोई इबादत न कर रहा हूं। अगर मैं ऐसी इबादत न कर पाऊं तो मेरी बीवी को तीन तलाक। अब सोचिए गौसे आजम की बारगाह में सवाल आया और अर्ज किया कि एक बंदे ने कसम खा रखी तलाक का मसला, और तलाक का मसला कितना कठिन है ये सिर्फ अहले इल्म जानते हैं, दूसरे के बस की बात नहीं कि तलाक का मसला कितना बारीक है। आप लोग समझते हैं ऐसे वैसे कर देने से मामला हल हो जाता है, इतना बारीक मसला है। सारे इराक के उलमा, अरब के उलमा, हजम के उलमा उस सवाल के जवाब देने से आजिज रह गए। वो गौसे आजम की बारगाह में जवाब मिलता है, उस सवाल समझने की कोशिश करें। सवाल ये था, एक बंदे ने कसम खा रखी, मैं जब तक ऐसी इबादत न करूं कि जिस वक्त मैं इबादत करूं उस वक्त पूरी दुनिया में कोई इंसान जिन्नात भी इबादत न करता, कोई भी इबादत न करता, अगर मैं ऐसा न करूं तो मेरी बीवी को तीन तलाक। अब दिमाग में लगाइए वो कौन सी इबादत हो सकती है। आदमी अगर सदका करे तो क्या आप दावा कर सकते हैं कि यहां मैंने 500 रुपए का सदका किया ये मेरी इबादत है, दुनिया में अभी कोई और सदका नहीं कर रहा है? क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि इस मस्जिद में आजान हो रही है ये भी एक इबादत है, कोई दूसरी जगह आजान नहीं हो रही है? क्या आप ये दावा कर सकते हैं? अगर आप दावा कर सकते हैं तो दलील लाइए। बड़ा गंजलक मसला, बड़ा आलिमाना सवाल और इसका जवाब भी बड़ा अजीबोगरीब सवाल। आप अगर ये दावा करें कि मैं जोहर के वक्त नहीं पढ़ूंगा नमाज, मैं दिन के 11 बजे नमाज पढ़ूंगा, तो क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि जहां आपके यहाँ 11 बज रहा हो लेकिन ये दूसरे मुल्क में हो सकता हो कि वो जोहर का वक्त का हो, फजर का वक्त हो? क्योंकि दिन का हालात, दिन के हालात तो अलग अलग मुल्कों में अलग अलग है, दिन रात तो है लेकिन कहीं कहीं आप अगर लंदन का मुल्क का पता करें तो वहां रात बहुत ही कम होती है, वहां आप कैसे दावा कर सकते हैं? आप अपने दिमाग में लगाइए कि कौन सी इबादत है जो बंदा करेगा तो उसका उसकी कसम भी नहीं छूटेगी और उसकी बीवी पर तलाक भी वाकई नहीं होगी। अगर बंदा नमाज पढ़ता है तो कसम टूट जाएगी इस वजह से कि दूसरी जगह भी नमाज पढ़ रहा है, लिहाजा उसकी कसम टूटेगी और तलाक भी वाके हो जाएगी, दो जुड़। और अगर आजान देता है तो ये कैसे यकीन से कह सकता है कि दूसरी जगह अभी आजान नहीं है? अगर आजान पढ़ता है तब भी उसकी कसम टूटेगी और बीवी पर तलाक भी वाके होगी। अगर कोई ये दावा करता है मैं मस्जिद नबवी में जाकर के नमाज पढ़ूंगा और कोई दूसरी जगह नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये दावा कैसे कर सकता है कि मस्जिद नबवी में कहां नमाज पढ़ रहा है? वहां तो सबके लिए खुली हुई मस्जिद है, वहां तो दूसरा भी इबादत कर सकता है। हर कोई, हर किसी के मन में ये सवाल कि कोई ऐसा जवाब हो
कि इस बंदे के सवाल का जवाब भी हो जाए और उस बंदे की कसम ना भी छूटे। सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग जरा जहन हाजिर कीजिए, आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपके जहन में सवाल नहीं समझ में आया तो मैं फिर समझाऊं। एक बंदा कसम खाया, जैसे शर्त के तौर पर लगाते हैं, अगर तुम जीतोगे ये, अगर तुम ये माइक तोड़ दोगे यहीं बैठे बैठे, हम तुमको पांच सौ रुपए देंगे। एक शर्त है ना? अब तोड़ेगा बंदा तब ना, अगर बढ़िया से नहीं तोड़े तो तुमको देना होगा। ये शर्त है, अब तोड़ता है बढ़िया से नहीं तोड़ता तो कसम टूट जाएगी, अब तोड़ दे बढ़िया से, यहाँ के जान बचने का रास्ता है, लेकिन हिम्मत है कि इसको तोड़ दे। अभी हम तोड़ेंगे तो सनोवर भाई हम ही को तोड़ देंगे, अगर हम इसको तोड़ दे तो सनोवर भाई हम ही को तोड़ देंगे। तो ये बड़ा गंजलक मसला है कि एक बंदे ये कसम खाई कि मैं ऐसी इबादत करूं जिस वक्त मैं अगर 4:05 में इबादत करूं तो कोई पूरी दुनिया में कोई ऐसे इबादत न कर रहा हो, अगर मैं 2 रकअत नफल नमाज पढ़ रहा हूं तो उस वक्त पूरी दुनिया में कोई 2 रकअत नफल नमाज न पढ़ रहा हो, अगर मैं 4:56 में ऐसी अपने मन से अजान दे रहा हूं तो पूरी दुनिया में उस वक्त पर कोई अजान नहीं दे रहा हो, अगर कोई ये कहे ऐसी कसम खाए तो ये दावा आप कर सकते हैं कि अभी मैंने अजान दिया दुनिया में कोई अजान नहीं है। अरे आपके जैसे तो हजारों अजान देने वाले हैं, औकात औलिया तो हमेशा जिक्र अज़कार में लगे रहते हैं, आप कहेंगे कि मैं 1000 मरतबा दुरूद पढ़ूंगा, ये भी इबादत है, लेकिन आप दावा कर सकते हैं कि मैंने 1000 मरतबा दुरूद पढ़ा है और दूसरा कोई नहीं पढ़ा। तो ऐसी कसम खा ली कि मैं ऐसी इबादत करूं जिस वक्त मैं इबादत करूं उस वक्त कोई दूसरा इबादत ना करे, कोई वही इबादत कोई दूसरा शख्स ना करे, अगर मैं कर लिया तो मेरी बीवी को तलाक मां के नहीं होगी, अगर मैं नहीं किया तो मेरी बीवी को तीन तलाक। अब हमने नमाज भी देखा, रोजा भी देखा, हज भी देखा, जकात भी देखा, जितने भी हमारे दिमाग में आया सबको हमने टटोला, उलमाए किराम ने सबको टटोला, लेकिन उसका जवाब नहीं बन पाया। जब ये सवाल आया गौसे आदम की बारगाह में तो गौसे आदम की बारगाह से ला आलमों का जवाब नहीं आया कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं जानता, बोलो सुनो इस सवाल का जवाब यह है कि तुम अभी फौरन काबा शरीफ जाओ, वहां जाकर के पूरे तवाफ की जगह को तुम साफ कर दो, वहां के सारे लोगों को हटा दो और उसे वहां किसी को इबादत करने के लिए ना दिया जाए, और तुम ऐलान कर दो वहां जाकर के तुम जब अकेला तवाफ करोगे तो उस वक्त पूरी दुनिया में कोई तवाफ करने वाला नहीं। ये है उसे आलम का जवाब। बताओ तवाफ सिर्फ एक जगह किया जाता है, वो सिर्फ काबा मुकद्दसा में, जब सारे लोगों को तवाफ से रोक दिया जाएगा, जब वो तन्हा तवाफ करेगा तो इबादत उसकी तन्हा होगी, जब वो तन्हा इबादत करेगा तो उसकी कसम भी नहीं टूटेगी और उसकी बीवी पर तलाक भी बाकी नहीं। ये है उसे आलम का इबादत। गौसे आजम को सिर्फ करामत वाला बाबा मत समझो, गौसे आजम की जिंदगी को देखो, गौसे आजम इस पेट ही मोस्ट टाइम ऑफ हिज, उनका बेस्ट द टाइम सीकिंग नॉलेज एंड टीचिंग नॉलेज इस तरह गुजरा है। आप देखिए गौसे आजम की कीमती वक्त अगर किसी चीज में गुजरा है तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी तालीम को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को वक्त किया है, अपने बेशतर अवतार को कुरान की तफसीर को समझने में लगा दिया है, फिक्र और तसव्वुफ के सारे फुनून को समझने के लिए अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा इल्मे दीन को हासिल करने में गुजार दिया है। तब जब बंदा ऐसे इल्म हासिल करता है तो वो गौसे आजम बनता है, तो वो वली आजम बनता है। ऐसे गौसे आजम की जात है, आप देखें गौसे आजम की जात, उनके फकीहाना अंदाज, उनकी तरसरी जिंदगी को देखें तो पता चलेगा कि गौसे आजम रजी अल्लाह तआला की जात कितनी बड़ी जात है, उनकी जात इतनी नुमाया है कि एक वाकया आपको आपके दिमाग के अनुसार से मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मुल्क हिंदुस्तान उस वक्त मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ था, एक राजा रंजीत सिंह का नाम का एक आदमी था और उसके यहाँ एक मुस्लिम मुलाजमत करता,
उसके यहाँ एक मुस्लिम मुलाजमत करता था, नौकरी करता था, लेकिन उसका तरीका यह था कि जब भी ग्यारहवीं शरीफ आता तो हुजूर गौसे पाक के नाम पर एक बकरी सभा करके सब लोगों को खिलाता था। वो मुसलमान का एक तरीका था। इत्तेफाक से एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जब ग्यारहवीं शरीफ का मौका आया, बकरी को ढूंढा नहीं, तलाशा, खरीदा, इधर उधर जाया गया, लेकिन उन्हें बकरी नहीं मिली। लेकिन वो गाय पालता था, वो गाय पालता था। इत्तेफाक से उसे डर लगी था, मैं तो राजा रणजीत सिंह का मुलाजिम हूँ, उनके यहाँ मैं मुलाजमत करता हूँ, अगर ये पता चल जाएगा कि ये गौ हत्या करता है, ये गाय को कत्ल करता है, तो मुझे राजा रणजीत सिंह को मुझे ही कत्ल कर डालेंगे। जब ये शौक था, लेकिन उनका ये अकीदा और उनकी ये मोहब्बत गौसे आजम से थी कि मुझे चाहे रणजीत सिंह मुझको कत्ल कर दे, मुझे परवाह नहीं, लेकिन जब मुझे बकरी नहीं मिली ग्यारहवीं शरीफ के मौके पर, तो मैं यही गाय को कुर्बानी दूंगा, इस गाय को जबा करूंगा, जबा करके सारे लोगों को खिलाऊंगा। जब जैसे ही जबा करता है, उसके पड़ोसी एक ब्राह्मण था, जब उसे पता चला कि चोरे छुपे एक गाय को जबा किया है, फौरन इसे बादशाह के पास, रंजीत सिंह के पास खबर कर दिया जाए। लेकिन जब इन्हें पता चला उस मुस्लिम मुलाजिम को कि ये शख्स जान चुका है, उसकी बारगाह में पहुंच करके हाथ जोड़ा, मन्नत समाजत की, कहे परमत साहब, मैंने ये गौसे आजम की मोहब्बत में की है, इसकी खबर राजा रंजीत सिंह को ना देना, वगरना मुझे वो सजा देगा, वगरना मुझे वो कत्ल कर देगा। क्योंकि ये ब्राह्मण था, इसे गांव के कत्ल से बहुत दुश्मनी थी, इन्हें प्यार नहीं था, लेकिन ये हर चंद कोशिश किया, पर बतौरे घूस या कह लो बतौरे मोहब्बत अपनी जान बचाने के लिए दूसरे दिन उसको लालच देकर के अपने घर बुलाया और समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं समझा। फिर आखिर उसके हाथ में एक तलवार थी और तलवार से उसका सर दिया, तन से जुदा करके, और रात का वक्त था, उस ब्राह्मण शख्स को लपेट कर बोरा में भर करके तालाब के पास ले जा रहा था। इतने में राजा रंजीत सिंह के मुलाजिम दूसरे जो थे वो देख लिया कि ये शख्स बोरा में भर करके क्या ले जा रहा है, आखिर क्या सबब है, ये रात में गुजर रहा है, रात में टहल रहा है, आखिर क्या सबब है। जब छानबीन किया, पता किया, उसे तशफी नहीं हुई, मामला तो कुछ तो कुछ गड़बड़ है, इतनी रात को इस बंदे को मैंने कभी नहीं देखा, आखिर ये रात में बोरा में भर करके लेके क्या जा रहा है। जब उसे पता चला, छानबीन किया, देखा कि एक मुर्दा लाश है, उसमें कटा हुआ सर है और धड़ है। जब ये पता चला तो फौरन वो मुलाजिम सुबह हुई जाकर के शिकायत की कि आपका खुला मुसलमान मुलाजिम ने एक आदमी को हत्या कर दिया है, कत्ल कर दिया है। उस शख्स मुस्लिम मुलाजिम को बुलाता है और कहता है, मुलाजिम सुनो, तुम सच सच बताओ कि तुमने कैसे क्या क्या किया, पूरा माजरा हमको सुनाओ, हो सकता है उसके जरिए मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो शख्स चूंकि गौसे आजम का आशिक था, उनके बचपने के वाकये को सुन चुका था कि गौसे आजम सच की वजह से उनके चाहने वाले हजारों हो गए और हम तो उसके आशिक हैं, हम कैसे भला झूठ बोल सकते हैं। उसने कहा, मैं सच सच बताता हूँ, मेरा माजरा यह है कि जब भी ग्यारहवीं शरीफ गौसे आजम का आता, मैं हर साल गौसे आजम के नाम पर बकरी सभा करता था, लेकिन एक साल ऐसा गुजरा कि मुझे बकरी नहीं मिली, मेरे घर में ये गाय पल रही थी, मैंने सोचा बकरी न सही, इसी गाय को जमा करके बतौरे तबर्रुक गौसे आजम के नाम से लोगों को खिला दूं, लोगों को बाबरकत बना दूं। इस वजह से जब मैंने जमा किया तो ये ब्राह्मण शख्स हमको हर चंद रोकने लगा और आपकी बारगाह में शिकायत करने के लिए मुझे उकसाया। इस वजह से जब मुझे पता चला कि ये ब्राह्मण आपके यहाँ शिकायत करेगा, इस खौफ से मैंने इसको कत्ल कर डाला। जब ये बात सुनी खाजा राजा रंजीत सिंह ने, तो कहा, सुनो, जब तुम ऐसे खाजा गौसे आजम के मुरीद हो जिनके बचपने का आलम ये है, तुम ऐसे गौसे आजम के चाहने वाले हो जो सच में झूठ नहीं, जो बचपने में झूठ नहीं बोल सकते, और तुम तो उसके आशिक हो, भला तुम कैसे झूठ बोल सकते, लिहाजा मैं तुझे इस सच की वजह से माफ कर देता हूँ। वो खुद हिंदू था, राजा सिंह था, उसके यहाँ भी गाय पवित्र है, लेकिन उस मुसलमान मुलाजिम को
सिर्फ इसी वजह से छोड़ा कि गौसे आजम की अकीदत में हर साल ज़बह करता था, लेकिन गाय बकरी न मिली, गाय को ज़बह किया और इसने अकीदत के साथ साथ अपनी मोहब्बत का खिराज भी पेश किया, गौसे आजम के गुलाम होने का सबूत भी पेश किया और एक मुसलमान की जो सही निशानी है सच बोलना, इस बंदे ने मजहब इस्लाम के नाम को रोशन किया, लिहाजा इसे बख्श दिया जाए, इसे माफ कर दिया जाए। अब बताएं हम गौसे आजम के कैसे चाहने वाले हैं। गौसे आजम की ये अजमत है, उनके चाहने वाले मुरीद नहीं लेकिन चाहने वाले। गौसे आजम का ही इरशाद सुन लीजिए कि गौसे आजम अपने फरियादी को सुनते कैसे। मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब, मुरीदी ला तखफ अल्लाह, ये गौसे आजम का शेर वो खुद फरमाते हैं। मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन मिनल मनाली, यानी मेरा मुरीद जो हो जाता है, सच्चे दिल से मेरा चाहने वाला हो जाता है, जो मेरे इस सिलसिले में दाखिल हो जाता है और मेरे सिलसिले को हक जानता है, तो वह अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता और मैं हमेशा उसकी मदद करता रहता हूँ। ये सबसे आजम गौसे आजम का इल्म का आलम यह है। गौसे आजम के अपने इल्म के बारे में शेर में भी बोया हुए हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतुल कुतुबा। आज हमारे मुसलमान के बच्चे अपने इल्म से, इस्लामिक नॉलेज से, दुनियावी नॉलेज से हर एतबार से गुरेज और भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन गौसे आजम की जिंदगी का मुताला करें। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतुल कुतुबा, मैंने इतना ही हासिल किया कि मैं वक्त का कुतुब बन गया, अल्लाह ने मुझे अजीम नेमत से सरफराज कर दिया। आए गौसे आजम के चाहने वालों, आए मदरसे के तालिबे इल्मों सुनो, अगर तुम वाकई गौसे आजम के नाम पर मरसलत पढ़ने वाले हो तो अपने दिल में ये इरादा कर लो, मैं जब तक पढ़ूंगा रिजाए इलाही के लिए पढ़ूंगा, जब तक मैं रहूंगा गौसे आजम के सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा और उनके फैज से अपने इल्म में इजाफा करता रहूंगा। तुम गौसे आजम के दावा करने वाले तो दावा नहीं बल्कि दलील भी पेश करना होगा कि हम वाकई गौसे आजम के दीवाने हैं। आए मुसलमानों सुनो, दौरे हाजिर ये चाहता है कि तुम इल्म से हम आहत हो, नॉलेज ऑफ वर्ल्ड से, नॉलेज ऑफ कुरानिक से और तफसीर से तुम हम आहत हो, अपने आप को तैयार करो, हर फील्ड में अपने आप को संवारो, आपकी जरूरत है, आज मदरसे को मजबूत करने की जरूरत है, हर तरफ मदरसे को मिटाया जा रहा है, जब मदरसा मिट जाएगा तो आपकी मस्जिद में ना इमाम मिलेगा, न मदरसे में कोई मुदर्रिस मिलेगा, ना आपके घर जाने जाकर के कोई सुन्नी आलिम आपको सही तालीम देगा, इसलिए तुम मदरसे को भी आबाद रखो और अपनी दुनिया को भी आबाद रखो और अपनी आखिरत को भी आबाद रखो। जो लोग इल्म हासिल नहीं कर सके याद करके जाएं, मैं यहाँ से इस हज के साथ जा रहा हूँ, मेरा बेटा मेरा पोता, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी अपने बेटे को तालीम देता रहूंगा, मैं जब तक जीता रहूंगा अपने पोते के लिए उनकी तालीम और तरबियत के लिए हमारे पर्स कोशिश करता रहूंगा और जब तक मैं हज़रत मुसलमान जीता रहूंगा इस तरह के मदरसे को आबाद करता रहूंगा। जो शिरकत करना चाहते हैं कि हम भी गौसे आजम के जहाँ पैसा जमा किया गया है, कोई अगर शिरकत करना चाहते हैं तो पैसा यहाँ जमा कर सकते हैं।